हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। हैप्पी धनतेरस सभी को, मेरी तरफ से भी, मेरे परिवार की तरफ से भी, और मेरी पूंजी की तरफ से भी। क्यों पूंजी, खड़ी हो खड़ी हो? हाँ है छे। आप सबको को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग खूब अच्छे से त्योहार मनाओ। हाँ, अब मैं भी अच्छे से। और दोस्तों भी, इसकी तबीयत ठीक हो गई है? बता दो कि तो मेरी तबीयत ठीक हो गई है, मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ, अब खांसी भी नहीं आती है। हाँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल, चिंता मत करना मेरी। अच्छे से दिवाली मनाना, हैप्पी दिवाली एडवांस में। हाँ बोल दो कि तो हैप्पी दिवाली। ओए होए, क्या हो गया? बोलो दोस्तों से हैप्पी दिवाली दोस्तों। अब बता दो अपने बारे में, कह दो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, बड़ी प्यारी प्यारी सी बच्ची हो गई हूँ। हाँ है ना, देखो देखो कुट्टी, मैं प्यारी सी हूँ। बताओ कह दो दोस्तों, मैं प्यारी प्यारी हूँ ना? बहुत क्यूट सी हूँ। हाँ बहुत क्यूट सी हो रही है, प्यारी सी हो रही है मेरी रानी बेटी। कहते दिवाली आने वाली है, मैं तो पटाखे से बहुत डरती हूँ दोस्तों। ये पटाखे से इतना डरती है कि वो कोना है ना, वो टेबल के पीछे वहाँ घुस के बैठती है जाके, अपनी फेवरेट जगह पे। अभी पटाखे बाहर छूट रहे हैं, अंदर भगाई हैं बाहर से। अब सबके यहाँ तो खूब लड़ियाँ लग गई होंगी, लाइटें लगी होंगी। हाँ दोस्तों, मच्छर बहुत आ रहे हैं, वो छोटे वाले जीरा वाले मच्छर इतना हो रहा है पूछो मत। लाइटें तो जल रही हैं लेकिन जीरा, सुबह को जब झाड़ू लगाओ इतना जीरा निकलता है पूछो मत। पुंजी नहीं है ना, पुंजी बहुत जीरा निकलता है झाड़ू में, जीरा वाला मच्छर बहुत छोटा छोटा होता है दोस्तों। अब पूरे बालकनी में, जीने में वही काला काला सारा हो जाता है। पता बहुत धुआं भी बहुत होता है दोस्तों, पटाखे ज्यादा मत छुटाना, बहुत प्रदूषण हो रहा है दोस्तों। हम लोग गाजियाबाद के रहने वाले हैं, पुंजी हमारे गाजियाबाद में रहती है। हाँ तो यहाँ का मौसम अभी ठंडा नहीं है, बहुत हल्की सुबह सुबह थोड़ी थोड़ी सी ठंड होती है, बहुत सुबह थोड़ी सी, नहीं तो दिन में तो अभी गर्मी रहती है। तभी तो ये नीचे ऐसी बैठती हैं, हम चादर डालते हैं, गद्दा डालते हैं, उसमें नहीं बैठती हैं, ये जमीन में ही ऐसे फैल के बैठती हैं, ये गद्दे में नहीं बैठना चाहती। इनका गद्दा मैं पिछली बार खरीद के लाई थी लेकिन ये उसमें अभी नहीं बैठेंगी, मुझे पता है, क्योंकि ये चादर में ही नहीं बैठ रही, गद्दे में क्या बैठेंगी। देख फर्श इनको अभी ठंडा लगता है ना नीचे, तो उसी में बैठती हैं। वैसे अब तबीयत ठीक है, चादर मैंने डाली, कई दिन डाली लेकिन नहीं बैठी हैं, नीचे ही बैठती हैं। मैं जबरदस्ती लेटाती रही भी कि लेट जाओ चादर में, फिर नीचे लेट जाती हैं, सुनती कहाँ है ना पुंजी? बता दो दोस्तों कि मैं किसी की नहीं सुनती, मुझे गर्मी लगती है, गर्मी की वजह से मैं नीचे ही लेट जाती हूँ, फर्श ठंडा ठंडा लगता है। हाँ और दोस्तों, अब बीमार थी तो इनको खाना कम खाने लगी थी, डॉक्टर ने भी कह दिया था कम दो, उल्टी कर रही थी। अब इनको इतनी भूख लगती है पूछो मत, तो जो भी बैठता है सबके साथ में उसका पीछा किए रहती है, हमें चोरी से खाना पड़ता है। अलग कमरे में जाके अंदर से बंद करके खाना खाती हूँ, तब भी दरवाजे में चुपचाप यहाँ बैठी रहेगी, नीचे से सूंघती रहती है कि कोई कुछ खा तो नहीं रहा है, मम्मी कुछ खा तो नहीं रही है, कुछ भी मुंह चला रहे हो, ये पहले बैठ जाती है, सोती हुई भी बैठ जाएंगे। इनको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि कोई खा रहा है, जिसके कमरे में जो भी खा रहा होता है वह यहीं बैठ जाती है जाके, सुनती नहीं है किसी की। डांटते भी रहो ना इनको तब भी नहीं सुनेंगी। हाँ खड़ी हो कहना तो मान लेती है लेकिन बस खाने के नाम पर नहीं मानती है। सबके पास बैठेंगे कि थोड़ा सा तो दे दो, थोड़ा सा दे दो मुझे, बस टेस्ट करना है, बस दे दो बस। इसलिए बैठती है टेस्ट करने के लिए। हाँ अभी भी मैं हाथ में कुछ लिए हूँ तभी यही बैठी है मेरे पास, नहीं तो ये मेरे पास थोड़ी, अब तक तो लेटी होती।
अब जैसा कहोगे वैसा करेंगे। हाँ है ना। और डॉक्टर ने सूखी चीजें मना की हैं, लिक्विड वाली कही है कि डॉक्टर लिक्विड वाली खाओ तुम चीजें, सूखी दरअसल सूखी चीजें इनको देने में इनके गले में फंसती हैं तो खांसी आने लगती है। अब लिए हो ये काजू के कुछ टुकड़े, काजू हैं कुछ, इसकी वजह से बैठी हैं, प्रसाद के थे, नहीं तो ये फिर नहीं दिखाई देती, कभी इस कोने में कभी उस कोने में घुस जाएंगी जाके, बस सोती रहती हैं। पुंजे एक बार और राधे राधे कर दो, सुनो एक बार राधे राधे कर दो, कर दो राधे राधे दोस्तों, राधे 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 राधे। चलो दोस्तों बाय, आप सभी को फिर से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी पूंजी की तरफ से। हैप्पी दिवाली भी एडवांस में, खूब अच्छे से सब लोग है दिवाली मनाओ, बस पटाखे थोड़े से कम करो, बहुत प्रदूषण हो रहा है हमारे गाजियाबाद दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और सुबह शाम कभी भी बाहर निकलती हूँ तो बहुत सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और गले में खराश और गले में दर्द रहता है जो, क्योंकि इतना प्रदूषण है उसी से सांस लेते हैं हम लोग, बड़ी दिक्कत होने लगी है। लेकिन कोई मानता नहीं है, किसको कहें, हमारे यहाँ भी है, हमारे नीच अगल बगल सब रहते हैं वो, उनके बच्चे छुटा रहे हैं, अब किसी को मना करोगे तो उल्टा जवाब देते हैं, तो किसी को कह नहीं सकते, बस इतना ही बोल सकते हैं कि दिवाली मनाओ ठीक है, खुशियाँ सब सबको मनानी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ये देखो कि जानवरों को कितनी परेशानी होती है, बेचारे जानवर, ये कुत्ते बेचारे स्ट्रीट डॉग हैं, गाड़ियों के नीचे छिप छिप के इधर उधर बैठ रहे हैं ये पटाखों के डर की वजह से, तो प्लीज पटाखे छुटाओ, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से छोटे वाले पटाखे छुटा लो, ताकि जानवरों को परेशानी ना हो, क्योंकि हम तो डॉग लवर हैं तो हम तो डॉग की ही बात करेंगे, डॉग है गाय है सभी डरते हैं, तो थोड़ा सा ख्याल रखो उन सबका। चलो हैप्पी दिवाली, धनतेरस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो दोस्तों राधे राधे, कल फिर मिलेंगे, पुंज से बात करेंगे, खड़ी हो और सबको बोल दो बाय, बोलो बाय, बोल दो बाय दोस्तों बाय। चलो दोस्तों बाय, कल फिर मिलेंगे।